लोकसभा चुनाव 2024 कल 1 जून को सातवें और आखिरी चरण के मतदान के साथ अपने चरम पर होगा। सातवें चरण में कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होना है। सातवें चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 13 सीट, पंजाब की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 9 सीट, बिहार की 8 सीट, ओडिशा की 6 सीट, हिमाचल प्रदेश की 4 सीट और झारखंड की 3 सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर इसी चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के इस अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार रवि किशन, पवन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। आइए एक एक कर जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर कौन से प्रत्याशी अग्नि परीक्षा के लिए उतर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण में सबकी निगाहें देश की बहुचर्चित सीट वाराणसी सीट पर रहेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत का निर्णय करने की वजह से उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। इस सीट पर पीएम मोदी का सामना कांग्रेस के अजय राय से होगा। गौरतलब है कि अजय राय लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के सामने चुनावी मैदान में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर सीट के लिए भी जमकर चुनाव प्रचार किया गया। सातवें चरण में भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन गोरखपुर सीट पर समाजवादी पार्टी की काजल निषाद को टक्कर दे रहे हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरी प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत इस बार चुनाव में काफी चर्चा में रही। सातवें चरण में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर कंगना की लड़ाई कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है, जो उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं। वहीं हमीरपुर सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सातवें चरण के मतदान पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी मैदान में होंगे। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अभिजीत दास को कमान सौंपी है। पंजाब के जालंधर सीट से कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी मैदान में है, जिन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने सुशील रिंकू को चुनावी मैदान में उतारा है। बठिंडा सीट से चुनाव लड़ रही हरसिमरत कौर के लिए भी यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार की पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का मुकाबला कांग्रेस के अंशुल अभिजीत से होने वाला है। पाटलिपुत्र में आरजेडी की मीसा भारती के साथ मुकाबले के लिए बीजेपी के रामकृपाल यादव मैदान में है। गौरतलब है कि बिहार की काराकाट सीट जो सबकी निगाहों में रहने वाली है, इस सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के साथ शुरू हुए लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी बिगुल 1 जून को सातवें और आखिरी चरण के मतदान के साथ समाप्त होगा। 1 जून को कुल 904 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। इस मतदान के बाद सबकी निगाहें 4 जून को होने वाली अहम मतगणना पर केंद्रित होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।